अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो cot 45 का मान कितना, यहाँ पे 4 इंटू cot 45 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 1, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 2, 2 का स्क्वायर, फिर cos 90, cos 90 होता है अपने 0, 0 का स्क्वायर आ गया। अब देखो 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 1 को 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 गुणा 1, फिर माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 4, प्लस 0 का स्क्वायर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, ये इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, 4 बटा कॉस स्क्वायर 30, सॉरी कॉट स्क्वायर 30, 4 बटा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब क्या किया जाए, देखो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये 4 बट्टे में कॉट 30 कितना अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है अपने 1 बटा 2, इसका स्क्वायर कर दो, फिर कॉस 45 डिग्री उसका स्क्वायर करना है, कॉस 45 होता है 1 बटा अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 बटे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, प्लस 1 बटे में 1 बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 4 आएगा, फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो ये आ गया 1 बटा 2। अब देखो ये भिन्न के अंदर एक और भिन्न दे रखी है, बट्टे में एक और बट्टा दिया हुआ है, तो क्या होगा ये उल्टा हो जाएगा, जैसे अपने ऐसे दे रखा हो a बट्टा b बट्टे में c बट्टा d, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं a बट्टा b गुणा, अब ये c बट्टा d जो था वो उल्टा हो गया, क्या बनेगा d बट्टा c। तो अपने देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर सिर्फ b दिया है, मतलब एक संख्या दे रखी है, तो b बटा फिर c बटा d, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा b गुणा c बटा d को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा d बटा c, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बटा 3 प्लस 1 गुणा 4 बटा 1 माइनस 1 बटा 2, सही है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बना 4 बटा 3 प्लस 4 माइनस 1 बटा 2। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम आता है, लसअप कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार, 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, प्लस 4 के बटे में कुछ नहीं है तो कितना होगा 1 होगा, 1 का भाग 6 में कितनी बार 6 बार, 6 इंटू 4 कितना हुआ 6 इंटू 4 हो गया अपना 6 चौक 24, माइनस 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो 24 और 8 कितने हो गए, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 में से 3 गए कितने बचे, 32 में से 3 गए 29, 29 बटे में कितना 6, कर सकते हैं ये इसका आंसर। अब आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की।
क्वेश्चन नंबर आठ में क्या दिया हुआ है, देखो टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ये टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बट्टे में कितना, बट्टे में दे रखा है 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ये कैसे होगा? देखो इसके लिए अपन मान लिख देते हैं इनके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 होता है अपने अंडर रूट तीन, इसका स्क्वायर करना है प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये आ गया 4 गुणे में कितना साइन 45 एक बटा अंडर रूट 2, तो एक बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर 90 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो साइन 90 होता है 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर बट्टे में कितना 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना, सेक 30 होता है 2 बटा अंडर रूट 3 माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 2 बटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट 30 कितना, कॉट 30 का मान होता है अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 4 इंटू 1 बटा रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 गुणा 1 बटा 2, इधर प्लस का 1 और इस पूरे के नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड में 3 गुणा 2 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 4 बटा 3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बटा 3 माइनस यहाँ पे कितना, यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, अब देखो 3 4 बटा 3 में से 1 4 बटा 3 पीछे निकल गया, पीछे कितना बचा 3 में से 1 गया 2 बचेंगे, 2 4 बटा 3 और ऊपर देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो ऊपर कितना बचा 3 प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 2 प्लस 1 बट्टे में कितना आ जाएगा, देखो 3 4 बटा 3 में से 1 4 बटा 3 गया, पीछे बचे 2 4 बटा 3 तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 4 बटा 3 माइनस का 3। अब 2 चौक कितने हो गए 8, ऊपर कितना 3 2 5 और 1 6 बट्टे में कितना चलेगा 8 बटे 3 माइनस 3 कितना आएगा, देखो 8 बटा 3 माइनस 3 करना है अपन को कितना हो जाएगा, ये आएगा अपने एलसीएम लिया अपन ने सबसे पहले, तो यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 8 से गुणा किया कितना आया 8 माइनस, अब देखो 3 के बट्टे में 1 है, 1 का भाग 3 में कितनी बार 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 3 दिया 9, ये कितना हो जाएगा 8 में से 9 गए, ये आ गया अपना 6 बटा माइनस 1 और उसके बट्टे में 3। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 18, माइनस का 18 कैसे आया, देखो 3 छंग 18, 18 बटे माइनस 1 है तो माइनस 1 को चाहे नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो अपना फाइनल आंसर क्या मिला माइनस का 18। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है अपना साइन 30 माइनस साइन 90 डिग्री प्लस का 2 कॉस 0 डिग्री बटे में कितना टेन 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 होता है अपना 1/2 माइनस साइन 90 कितना 1, फिर प्लस 2 कॉस 0 का मान होता है 1। इस पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 60 कितना √3। अब देखो √3 से √3 कट गया, पीछे कितना बचा 1, ऊपर क्या रहेगा देखो 1/2 माइनस 1 प्लस का 2 और पूरे के बट्टे में कितना रहेगा 1। अब इस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, माइनस 1 प्लस का 2 पीछे की कितना बचा 1/2 प्लस 1, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। अब 1 और 1/2 दोनों को जोड़ते हैं तो एलसीएम लेके अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं 2 का भाग 2 में कितनी बार 1 बार 1। अब देखो इसके बट्टे में 1 था, 1 का भाग 2 में कितनी बार 2 बार, 2 × 1 कितना हो गया ये हो गया अपने 2 प्लस 1 कितना 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये आ जाएगा अपना 3/2। आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है 2 tan 30 degree बट्टे में 1 − tan²(30 degree। अब देखो 2 tan 30 तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × tan 30 कितना हो जाएगा tan 30 हो जाएगा अपने 1/√3 बट्टे में कितना 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऊपर कितना हुआ, ऊपर हुआ अपने 2/√3 बट्टे में कितना हो जाएगा 1 − 1/√3 का स्क्वायर कितना √ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा √ हट जाएगा, पीछे कितना बचेगा 1/3 बचेगा। अब देखो 1 में से 1/3 गया, पीछे कितने बचे 2/√3 बट्टे में, यहाँ 3 एलसीएम आ गया। अब देखो 1 का भाग 3 में कितनी बार 3 बार, 3 × 1 कितना हो गया ये हो गया अपना 3 माइनस 3 का भाग 3 में कितनी बार 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया कितना आया 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, अब देखो 3 में से 1 गया, पीछे कितना बचा 2, तो ये हो गया अपना 2/√3 बट्टे में 3 में से 1 गया 2/3। ठीक है, देखो 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा ये अपना कुछ ऐसा रहेगा 1/√3 बट्टे में 1/3। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा 1/√3 × 3/1। अब देखो अभी अपन ने यहाँ पे क्या किया था √3 का स्क्वायर किया था तो 3 लिखा था, अब 3 को अगर अपन वापस लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/√3 × 3 को वापस लिख रहा हूँ, देखो ऐसे √3 × √3 बट्टे में 1, √3 × √3 कितना हो जाएगा वापस 3 बन जाएगा, तो अपन ने इसको इसके 2 टुकड़े करके लिखा है और कुछ नहीं किया। अब देखो 1√3 हर में और 2√3 अंश में, क्या होगा 1√3 से 1√3 कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा अपने
3, ये इसका आंसर। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है, बाकी के कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।